अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदन है और स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिससे हमें डेटा साइंस के अंदर जो हमने चीज़ें देखनी हैं और आगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि EDA भी जो हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल होती है वो है कोरिलेशन और कोवेरियंस वाली चीज़। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इन दोनों को ही हम एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या इन दोनों में क्या फ़र्क है? आज हम सिर्फ एक चीज़ को देखेंगे ताकि हम एक चीज़ को अच्छे तरीके से देखें और अगली वीडियो में हम कोरिलेशन के बारे में बात करेंगे कि कोवेरियंस अक्सर औकात आपको भी अच्छे तरीके से पता है जब हम कोरिलेशन और कोवेरियंस को देखते हैं तो ज़्यादातर हम कोरिलेशन की बात करते हैं, इस कोवेरियंस बेचारे की बात ज़्यादातर नहीं आती। इसकी बात क्यों नहीं आती वो भी आज हम देखेंगे और सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं कि कोवेरियंस होता क्या है, कोरिलेशन या कोवेरियंस की ज़रूरत ही हमें क्यों पेश आती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन से हम बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे हमारी जो रवायत है कि हम एग्जांपल लेंगे, वो भी देसी एग्जांपल। डेफिनेशंस तो आपको मिल ही जाती हैं किताबों से और गूगल वगैरह से, लेकिन एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और वही हमारा मेन टारगेट है। आप देखते हैं कि हमने जितने भी अभी स्टेटिस्टिक्स की कुछ एग्जांपल्स ली हैं, मोस्टली हमने एक ही एग्जांपल को लेकर चले हैं। या तो हम ड्रग्स की बात कर लेते हैं, वो वाले ड्रग्स नहीं, दवाइयों वाले ड्रग्स की बात की है, यानी कि वैक्सीन हमने अगर बनानी है, और या अगर हमने बात करनी है तो हम हाइट के डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास वही डेटा है, हाइट का डेटा मौजूद है और हमारे पास वेट का डेटा मौजूद है। अब यहाँ पर मैंने वेट का डेटा ही साथ में क्यों लिया है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने वैसे ही इन दोनों को ले लिया क्योंकि जनरली इन दोनों को ले लिया जाता है या इन दोनों के दरम्यान में कह दिया जाता है कि खास हाइट है तो वेट को हम साथ में देख लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास हाइट का डेटा होता है और वेट का डेटा हमारे पास मौजूद होता है, और अभी तक हम एवरेज की बात भी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास हाइट का डेटा है तो उसकी एवरेज क्या होगी, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है हाइट के डेटा की और वेट के डेटा की भी हमने देख लिया। दूसरी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि सेंट्रल टेंडेंसी के बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि वेरिएशन क्या होती है। तो हमने वेरिएशन क्या होती है मीन से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, और ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि हमने वेरिएशन इस चीज़ से निकाली है। ये फार्मूला यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया, ये बहुत अहम चीज़ है, नोट डाउन ज़रूर करें, साथ में कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें ताकि आप जो चीज़ हम लिख रहे हैं या हम बता रहे हैं उसको आप अपने तरीके से अपनी भी एग्जाम्पल साथ में लिखा करें ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने इंडिविजुअली अभी हमने हाइट और वेट को एक साथ नहीं देखा। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास हाइट्स थी, हमारे पास वेट्स थे। अगर मैं कहूँ कि मैंने जो हाइट ली थी ये वाली वो इसी बंदे की थी जिसका मैंने ये वाला वेट लिया था, यानी कि वही बंदा था जिसका ये वेट है और जिसका ये हाइट है, और वही बंदा जिसका ये वाली हाइट है जिसका ये वाला वेट है, यानी कि मैंने पेयर्स में जो पेयर है एक हाइट का और एक वेट का वो एक ही बंदे का है, तो क्या इन दोनों के दरमियान में कोई ताल्लुक है हाइट और वेट के दरमियान में? तो ये जो बात है इसका जवाब का एक तरीका ये हो सकता है कि मैं कोवेरियंस की बात करूं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इस बात का जवाब देने के लिए, लेकिन एक तरीका ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि वेट और हाइट के दरमियान में कोई रिलेशन है तो मैं कहूँ कि इसका जवाब शायद हमें कोवेरियंस दे सकता है। शायद मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि सिर्फ एक तरीका यहाँ पर नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, तो मेरा इस सवाल का जवाब कोवेरियंस देगा, ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि हमने आज कोवेरियंस के बारे में बात करनी है इसलिए मजीद किसी सोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम कोवेरियंस को ही देखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया, मैंने हर एक पॉइंट को पेयर वाइज प्लॉट कर लिया, जैसे वो हम बनाते हैं ना एक्स और वाई का, हमने एक पेयर लिया वो हमने ये बना लिया, इसी तरीके से सारे मैंने बना लिए पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैं इसको अगर ये करूँगी मैं एक लाइन गुजार दूँ इनमें से और ये कह दूँ कि हमारे पास एक लाइन है जो कि ये बता रही है कि इन पॉइंट्स का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है, यानी कि हाइट का और वेट का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ये वाले पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हाइट है उतना ही ज़्यादा हमारे पास वेट है, और जो ये वाले नीचे पॉइंट आ रहे हैं ये हमें बता रहे हैं कि जितनी कम हाइट है उतना ही कम वेट है यहाँ पर। और ये लाइन हमने जो बनाई है इससे हम ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगर कोई हाइट पता चल जाती है रफली यहाँ पर फॉल करती है फॉर एग्जाम्पल, तो इस लाइन की वजह से मुझे उसका वेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चल सकती है। ठीक है, तो
अब क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि हाइट के बढ़ने से वेट भी बढ़ रहा है और हाइट के कम होने से वेट कम वैल्यूज है, हाइट ज़्यादा जब है तो यहाँ पर वैल्यूज हम ये बता रहे हैं कि उस उन वैल्यूज में वेट भी ज़्यादा है, जहाँ पर हाइट कम है तो उन वैल्यूज में वेट भी कम है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऐसा हो कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, जैसे यहाँ पर ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम बता रहे हैं कि हाइट जो है वो कम है लेकिन वेट ज़्यादा है, और जो ये वाले पॉइंट्स हैं हम ये बता रहे हैं कि हाइट ज़्यादा है लेकिन वेट कम है। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हो गई। पहले जो हमने चीज़ देखी थी उसमें दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही थी, इससे हमने देखा कि एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो तीसरा रिलेशन ऑब्वियसली ये हो सकता है कि एक चीज़ बढ़ रही है लेकिन दूसरे में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, जैसे हाइट यहाँ पर हम आगे बढ़ाई जा रहे हैं लेकिन वेट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। तो ये चीज़ हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। अगर मैं हाइट फॉर एग्जाम्पल कहूँ कि ये वाली हाइट है तो क्या वेट होगा, तो वेट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। और सेम केस अगर हम कह रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल बात की है तो ये हमारे पास वर्टिकल बात वही हो गई है कि वेट के तब्दील होने से हमारे हाइट में कोई तब्दील नहीं आ रही। तो यहाँ पर हमने बेसिकली तीन किस्म के रिलेशन बताए हैं। एक रिलेशन जिसमें एक चीज़ का बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है वो कहलाता है कि पॉजिटिव रिलेशन है दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में। दूसरा ये रिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसको नेगेटिव रिलेशन कहते हैं, यानी कि इन्वर्स रिलेशन भी कहा जाता है। तीसरी वो है जिसमें एक चीज़ तो बढ़ती है दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको हम कहते हैं कि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि देर इज़ नो फ्रेंड। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी आम रिलेशनशिप की दो वेरिएबल्स के दरमियान में। तो यहाँ पर हमें कोवेरियंस क्या बताएगा? कोवेरियंस इस तरीके से निकाला जा सकता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरियंस। अब हमें कोवेरियंस क्या बताएगा कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरम्यान में, क्योंकि सवाल हमने यही शुरू किया था ना कि एक वेरिएबल अगर है हाइट का और दूसरा वेरिएबल है वेट का, तो उन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है, ये तो हमने विजुलाइज कर लिया कि पॉजिटिव रिलेशन होता है या नेगेटिव रिलेशन होता है या नहीं कोई ट्रेंड, लेकिन इसको क्वांटिफाई भी तो करना है ना हमने कि कितना वैल्यू आती है। ये वैल्यू मुख्तलिफ होगी, इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी, और हो सकता है कि पॉजिटिव में ही अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स मुख्तलिफ तरह से स्प्रेड हुए हुए हैं तो इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है। यूजुअली हम इसको इस्तेमाल नहीं करते जब हम डेटा साइंस या पाइथन या डेटा एनालिसिस में जा रहे होते हैं, क्योंकि ये सारा काम हम कंप्यूटेशनली उसको परफॉर्म कर लेते हैं, यानी कि हम पाइथन से कोई स्टैट की लाइब्रेरी इन्वॉल्व कर लेते हैं, या हम एक्सेल में एक फंक्शन लगा देते हैं, या स्टेटिस्टिक्स का हमने कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, मिनीटैब है या SPSS है, उसके अंदर हम उसके अंदर बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बस वो लगाते हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम कोवेरियंस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोवेरियंस लगाई है, सारे मैंने फार्मूलाज लगा लिए और उसके बाद मेरे पास ये आ गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने मिस कर दी है, वो ये है कि फार्मूला हमें क्या, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट इसको मैनुअली तो किस तरह करना है, ये वाई जो हमें बता रहे हैं, क्योंकि वाई में हमने ले लिया था वेट, तो वाई वाली वैल्यू हर एक वेट का पॉइंट है, यानी कि दिस इज़ Y1, Y2, Y3 एंड सो ऑन टू Y6। तो यहाँ पर बारी बारी हम वाई की वैल्यू लगाएंगे, ये Y12 आपको पता है कि ये मीन ये एवरेज वैल्यू है वेट की, और इसी तरीके से एक्स है, ये हर वैल्यू एक्स के यहाँ पर आएगी, और एक्स बार यानी कि हाइट का मीन, और N-1 हमारे पास आ गए, जितने भी टोटल हमारे पास इस वक्त 6 हमने सैंपल लिए थे, हमारे पास टोटल आ जाएगा 6-1, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसका सम ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे कुछ इस तरह की। यानी कि अगर मेरे पास पॉजिटिव रिलेशन है तो मेरे पास पॉजिटिव कोवेरियंस की वैल्यू आ गई है, नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर कोई ट्रेंड नहीं है तो मेरे पास कोवेरियंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से हम कोवेरियंस को इस्तेमाल नहीं करते? वो बात ये है कि जो कोवेरियंस है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, कि जो कोवेरियंस है वो स्केल सेंसिटिव होता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि वेट और हाइट को मैं 2 गुना बढ़ा दूं, इसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी कोवेरियंस की, क्योंकि एवरेज बढ़ा था, जाहिर सी बात है हर एक्स की वैल्यू बढ़ गई, हर वाई की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन जो उसकी स्लोप है उसके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। यानी कि वैल्यू के बढ़ने से वी कांट से कि हमारी जो पॉइंट्स हैं वो सारे लाइन के ऊपर आ गए हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास कोवेरियंस का जो एक नंबर है वो 116 से हो सकता है वो 340 हो जाए, लेट्स सपोज,
लेकिन वो 340 हमें ये नहीं बता रहा कि सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आ गए. सो वो 340 और ये 116 एक ही चीज को शो कर रहा है. तो कोवेरियंस स्केल सेंसिटिव होता है और वह हमें कोई स्लोप की इंफॉर्मेशन भी नहीं दे सकता, इसीलिए हम मोस्टली कोरिलेशन की तरफ चले जाते हैं. अब यहाँ पर सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि जब हमने कोरिलेशन की तरफ ही जाना है तो कोवेरियंस को देखना है क्यों? कोवेरियंस फिर भी बहुत अहम होता है, क्योंकि हमने जब कोरिलेशन तक जाना है तो हमें कोवेरियंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, कोवेरियंस हम बैक एंड पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम कोरिलेशन की बात करते हैं वो हम इन फॉरवर्ड या डायरेक्टली हम नहीं कहते कि हमने कोवेरियंस इस्तेमाल किया था, बट कोवेरियंस बहुत सारी जगहों पे भी बैक एंड पे इस्तेमाल हो रहा होता है. चाहे वो डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो जब किसी चीज़ के साथ हम उसको मिला लेते हैं वो हमें सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी पाइथन में आपने कोई डेटा लेना है और आपने जो मैंने अभी स्केल वाली बात कही है उसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना है कि क्या वाकई में ऐसा है या नहीं. अगर आप उसमें मैनुअली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और वो करने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में डन लिखना है टाइम स्टैम्प के साथ. जब मैंने आपसे कहा था कि इसको स्केल से फ़र्क पड़ता है वो टाइम स्टैम्प आपने लेना है, और आपने पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है कि स्केल से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और उसके बाद आपने जो मैंने अभी कहा है वो लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोरिलेशन क्या चीज़ होती है और कोवेरियंस किस तरह कोरिलेशन के अंदर काम आता है. तब तक के लिए मुझे नहीं, ज़्यादा अल्लाह हाफिज़.